जय तर्काधीश, जय काल भैरव, जय मरणिमा। तो आज टॉपिक है, कोई आपको मैसेज करने के बारे में सोच रहा है, ठीक है। यह है टॉपिक एंड हमारे सामने है तीन ऑब्जेक्ट्स, तीनों ही है ओरेकल। ये हमारी सबसे पहली ओरेकल, ओके। सेकेंड जो है वो डिवाइन डायरेक्शंस एंड थर्ड जो है वो है फॉर्चून कुकीज, ठीक है। तो हम तीनों का इस्तेमाल करके करने वाले हैं रीडिंग कि कोई आपको मैसेज करने के बारे में सोच रहा है। हो सकता है ये मैसेज व्हाट्सएप पे हो, टेलीग्राम पे हो, टेक्स्ट हो, यू नो। सो बहुत सारे वेज हैं मैसेज मिलने के। कोई ईमेल कर सकता है, यू नो। सो लाइकवाइज, सो गेट रेडी फॉर द रीडिंग, ओके। सबसे पहले करते हैं इस ओरेकल की शफलिंग और देखते हैं हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। बहुत ही हैवी ओरेकल है, ओके। Let's connect to it. देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। एंड ये आ गया फर्स्ट कार्ड, ठीक है। ये आ गया सेकेंड एंड थर्ड कार्ड, ठीक। ये आ गया फोर्थ, ओके। नाउ ये आ गया फिफ्थ एंड अब देखते हैं सिक्स्थ एंड फाइनली ये है सेवन, ठीक है। तो हमें सात कार्ड्स मिल चुके हैं। देखते हैं सात कार्ड से हमें क्या रीडिंग मिलती है। मैं यहाँ पे कार्ड्स वन बाय वन रखूंगा, ठीक है। जो सबसे पहला कार्ड हमें मिला है वो है अमेजिंग मैसेजेस, ओके। तो पहला ही कार्ड जो हमें बहुत कुछ बतला रहा है, दैट इज ऑल अबाउट द मैसेजिंग। तो जो हमारा एक टॉपिक है कि कोई आपको मैसेज करने के बारे में सोच रहा है, बिल्कुल सही हम जा रहे हैं, ठीक है। पर अमेजिंग मैसेजेस मतलब कहीं ना कहीं अगर आप इनका वेट कर रहे हो, ये पर्सन भी सोच रहा है कि भाई मुझे कम्युनिकेट करना चाहिए। हालांकि हर व्यक्ति के अपने अपने तरीके होते हैं। किसी को सरप्राइज देना पसंद होता है, कोई हाल फिलहाल में कम्युनिकेट करता है, इन्होंने कोई जो व्यक्ति वो सडनली अचानक बिना बताए बिना कुछ कहे ही मैसेज करते हैं, जो हाल हर रोज़ का जो कम्युनिकेशन होता है। सो डिपेंडिंग ऑन दैट कि किस तरह की आपकी अंडरस्टैंडिंग है, आपका रिश्ता अभी किस माहौल में है, उसके हिसाब से ये पर्सन मैसेज करने के बारे में सोच रहे हैं। बट मोर देन दैट, देखो ये चाहते हैं कि आप उनको सही तरीके से अंडरस्टैंड करें, ठीक है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि उनकी जो इच्छा होती है, उनकी जो अपेक्षा होती है, वो कुछ और भी हो सकते कि आप भी रिप्लाई करें या फिर आप बस उनकी बातों को समझे, है ना। किसी को अगर ये जताना है कि आप वो आपसे कितना प्यार करता है, तो वो बस एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इस बात को समझें, दैट्स इट। और उन्हें कुछ नहीं चाहिए कि आप कुछ रिप्लाई करें, यस नो आई लव यू एंड लाइक वाइज। अगर आप उस ये पढ़ते भी हो तो भी उनके मन को बहुत ही सुकून मिल सकता है। सेकेंड कार्ड है वो, आर यू मेकिंग अ मिस्टेक। नाउ दैट इज द सेकेंड कार्ड। अब ये कार्ड क्यों आ गया है, देखो भाई, आई थिंक ये पर्सन खुद को एक सवाल पूछ रहा है कि क्या मैंने कोई गलती तो नहीं की, ओके। एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम इसलिए इसे कहते हैं बिकॉज कई बार देखा गया है कि रिलेशनशिप में छोटी छोटी बातें भी बहुत मायने रखती हैं, यू नो, एंड दैट इज़ वेरी क्रूशल। मान लो कि आपका बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल है, आप उनसे कम्युनिकेट करते हो, आपका जॉब भी है, फैमिली भी है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन जिनसे आप प्यार करते हो उनसे आपकी अनबन हो गई। अब दिखाने के लिए तो आप इन सबके साथ हंसी खुशी रह सकते हो, लेकिन जितना लोग आपको करीब से जानते हैं, आप ज़रूर कहेंगे कि भाई कुछ ना कुछ तो आज गड़बड़ है, यू नो। तो अगर इन्होंने कुछ ऐसी बात कही जो कि आपको यू नो डिफ़िकल्ट सिचुएशन में ला के रख दे, तो आपको भी अंडरस्टैंड होगा कि आपके पूरे डे पे इसका असर पड़ता है। और वही बात यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि कहीं ना कहीं पे ये पर्सन वही सोच रहा है कि मुझे कोई भी गलती नहीं करनी है, और अगर गलती की है तो उस गलती का पश्चाताप करना है, उस गलती को रिट्रैक्ट करना है ताकि ये गलती दोबारा से मैं ना कर पाऊँ। तो जो कार्ड हमें मिला है वो है इट्स पार्टी। तो कहीं ना कहीं में भी ये चाहते हैं कि आप भी आए, उनसे कम्युनिकेट करें, बातें आगे बढ़े एंड जो आप दोनों के बीच के फन मोमेंट्स हैं वो शुरू हो जाए। कई लोग हैं जिनको लगता है कि भाई हम एडवेंचर पार्टी करें, हम कहीं पे घूमने जाएं, ट्रैकिंग करें, यू नो, या फिर लॉन्ग ड्राइव करें, या फिर बस बातें करते रहे, रेस्टोरेंट में खाना खाएं। तो जो आप दोनों का प्रेफरेबल मेथड है ये उसे यूज़ करना चाहते हैं। नेक्स्ट कार्ड है वो है फिनेंशियल वर्ल्ड। एंड अगर हम इसकी बात करें तो भाई ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप मैरिड हो एंड यू आर टॉकिंग, यू आर थिंकिंग अबाउट योर हस्बैंड और योर वाइफ, तो शायद वो कहीं ना कहीं आपसे ये कहना चाहते हैं कि थोड़ा सा फिनेंसिस के बारे में भी ध्यान रखो, ओके। आई थिंक ये इसलिए है क्योंकि अभी देखो ईयर एंड आ रहा है,
तो शायद इसके पहले जो कुछ सेल आ गए थे उसमें अगर इन्होंने कुछ खरीदारी की थी या फिर करना चाहते हैं या फिर आपसे एक्सपेक्ट करते कि आप भी थोड़ा ध्यान दें, बोथ ऑफ यू कुड मेक अ वंडरफुल कपल टुगेदर हु इज़ गोइंग टू परचेज समथिंग। तो अगर आप दोनों को कोई चीज़ खरीदनी है या फिर सेविंग करनी है, इसलिए आई थिंक ये आपसे ये भी कम्युनिकेट करना चाहते हैं कि वो क्या सोचते हैं, उनकी क्या इच्छा है, क्या वो चाहते हैं कि आप सेविंग रिस्टार्ट करें या फिर वो चाहते हैं कि आप किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करें। जैसे कोई अगर चीज़ परचेज करनी, चाहे वो गाड़ी हो या फिर कोई खरीदारी हो, तो उसके लिए भी शायद वो आपसे बात कर सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड है आउटडोर। तो जैसे मैंने कहा कि ये पर्सन कोशिश तो ज़रूर कर रहा है कि जो उसके दिल की ख्वाहिश है जो आप पूरी कर सकते हो, अगर आप दोनों के लिए फीजिबल हैं, दोनों के लिए पॉसिबल है कि कहीं पे घूमने जाना एंड जहाँ पे आपका दिल झूम उठता है, तो कहीं पे मेला लगा है तो आप वहाँ पे गए एंड मेले के मज़े लिए, तो और क्या चाहिए आपको, तो ये वही चाहते हैं कि आप दोनों जो हैं वापस से एक बहुत ही हेल्दी एंड हैप्पी कपल बन जाए। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है विल यू मीट मी, दैट इज़ अ वंडरफुल कार्ड। हम कह सकते हैं कि ये चाहते हैं आप उन्हें मिले और इसलिए आई थिंक फर्स्ट कन्फर्म करना चाहते हैं लोकेशन या फिर टाइमिंग या फिर कि भाई अगर आप उनसे खफा हैं तो चाहते कि आप उनके ऊपर खफा ना रहे। ओके, विल यू मीट मी में मतलब कि आपका कन्फर्मेशन मांग रहे हैं कि कहीं आप इनके ऊपर गुस्सा तो नहीं, अगर है तो भाई माफ़ करो मुझे, इस गुस्से को आप साइड में करो एंड लेट्स मीट, लेट्स कम्युनिकेट। जो नेक्स्ट कार्ड है वो है वाई डोंट यू टॉक। देखो ये लास्ट का कार्ड आ गया है। पहला जो कार्ड हमें मिला था वो क्या था, दैट इज़ अमेजिंग मैसेजेस। मतलब ये पर्सन कोशिश कर रहा है आपको रिझाने की, आपको अपना बनाने की, लेकिन वहीं पे कहीं ना कहीं पे ये मैसेज भी जा रहा है। अब या तो आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो या तो ये आपके थ्रू हो रहा है कि आप उनसे अभी वही या उसी तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। सो वाई डोंट टॉक मतलब कि चाहते हैं कि आप उन्हें बतलाएं कि भाई कौन से चेंजेस से आप गुजर रहे हो, क्या इस रिश्ते में आपको कोई बात चुभ रही है, क्या इनका कोई बिहेवियर आपको सही नहीं लग रहा है। तो ये बातें आप दोनों के लिए काफ़ी मैटर करती हैं। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है डिवाइन डायरेक्शंस एंड लेट्स शफल द कार्ड्स, देखते हैं हमें कौन सी रीडिंग मिलती है। ठीक है, सो आई विल पुट द कार्ड्स ओवर हियर एंड लेट्स सी कि रीडिंग हमें क्या मिलती है एंड हियर वी गो। ठीक है, 1 2 3 एंड जो फर्स्ट कार्ड हमें मिला है वो है भाई फैमिली। ओके, एज यू कैन सी ये पहला कार्ड है जो हमें मिला है। तो हम कह सकते हैं कि भाई ये पर्सन फैमिली के बारे में बहुत कुछ सोच रहा है और इनफैक्ट आपको भी एज अ फैमिली काउंट कर रहा है। अब जब ऐसी बात हो जाए तो हमें पता है कि कोई इंसान जब कहता है कि मेरी फैमिली है, आई लव माई फैमिली, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो हर मोमेंट में अपनी फैमिली को बताएं कि वो उनसे कितना प्यार करता है। वही बात आपके बारे में भी हो सकती है कि द पर्सन लव्स यू लॉट, लेकिन शायद बता नहीं सकते या फिर बता नहीं पाते। आप खुद सोचिए, आप अपने पेरेंट्स को इतना प्यार करते हो, फैमिली को, भाई बहन को, लेकिन आप हर वक्त कहते हैं कि आई लव यू। तो वही बात यहाँ पे ध्यान में रखनी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं हमें क्या मिलता है एंड लेट्स शफल द कार्ड्स एंड हियर वी गो। यहाँ क्या सेकेंड कार्ड जो कि है प्राउड। तो मेरे हिसाब से ये पर्सन एग्जैक्टली प्राउड है कि आप इनके ज़िंदगी में आए हैं और रिश्ता जिस मोमेंटम से गुजर रहा है ये काफ़ी खुश है। मतलब एक प्राउड फील है कि भाई आप दोनों ही सही एंगल पे आगे बढ़ रहे हैं, जो कि काबिले तारीफ बात है। दैट इज़ अ वंडरफुल थिंग फॉर बोथ ऑफ यू। थर्ड एंड फोर्थ जो कार्ड हमें मिले हैं वो हम देखते हैं। देखो जो थर्ड कार्ड है वो है अबंडेंस। ओके, यानी कि भाई कहीं ना कहीं पर आप दोनों ही एक दूसरे को वो सब एक्सप्रेस करते हो एंड एक्सपेक्ट करते हो जिसकी ज़रूरत होती है। हाँ, कई बार अगर छोटी सी बातें बीच में आती भी हैं तो भी वो हल्का फुल्का स्ट्रेस दे के निकल जाती है। वही वो कह रहा है कि देखो अगर हम रिश्ते की बात करें तो ये सब चीज़ें तो होनी ही चाहिए जो कि आपके रिश्ते में होती हैं। हालांकि जो फोर्थ कार्ड है वो है कम्युनिकेट, तो ये चाहते हैं कि आप दोनों ही कम्युनिकेट करें, वो भी फ्रीली। ओके, दैट इज़ द मेन थिंग कि आप दिल में कोई ऐसी बात ना रखें कि भाई इनके वजह से ये हुआ या फिर आपको कोई चीज़ कहने, लेकिन शायद इनको बुरा लगेगा। ओके, अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो वो कोई भी कुछ भी बात कहे, जैसे कि अगर आप कृष्ण को मानते हैं, उनको फॉलो करते हैं, तो उनसे कोई बात छुपाने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको उतना ही प्यार करेंगे जितना पहले करते थे। वही बात है यहाँ पे, यू नीड टू कम्युनिकेट। आप उनसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, दैट्स इट। अब उनसे बातें करना स्टार्ट कीजिए, जो भी आपके दिल में है
नफरत है, कोई क्वेश्चन है, किसके बारे में गुस्सा है, बताइए उनको, शेयर कीजिए और डेफिनेटली ये पर्सन आपको अंडरस्टैंड करेगा। अब देखते हैं फॉर्चून कुकीज़। अब ये कुकीज़ हम चुनते हैं 2 से 3, देखते हैं आज हमें कुकीज़ में क्या देखने को मिलता है। ठीक है, करते हैं एक दो बार और शफल। चलो एक कुकी तो हमें मिल गई है एंड ये आ गई दूसरी कुकी। देखते हैं दो कुकी से हमें क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है। जो पहली कुकी है वो है असर्ट योरसेल्फ। तो ये पर्सन चाहता है कि भाई ये आपसे कम्युनिकेट करे, बातें बनाए। अगर ये कहीं फॉरेन गया फिर आप दोनों की काफ़ी अच्छी केमिस्ट्री मैच होती है, लेकिन किसी ना किसी वजह से, शायद अपने ऑफिस के हेक्टिक आवर्स के वजह से, अपने ट्रैवलिंग के वजह से या फिर किसी और काम की वजह से, अगर ये आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे, तो ये सही समय है इस व्यक्ति के लिए कि वो आपसे कम्युनिकेट करे और रिश्ता बढ़ाए। ओके, हम कहते हैं ना कि कुछ समय ऐसा होता है कि जहाँ पे हम बहुत डिप्रेस होते हैं, कुछ समय ऐसा होता है जहाँ पे हम बहुत खुश होते हैं। तो ये वो वाला समय है जहाँ पे ये आपसे और करीब रिश्ता बना सकता है, यानी कि आप दोनों ही काफ़ी अच्छे तरीके से एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर सकते हो। थर्ड सेकेंड जो कार्ड मिला है वो है डी क्लटर, यानी कि कहीं ना कहीं पे जहाँ पे इनको लग रहा है, फिर आप दोनों को लग रहा है कि कुछ जो आप दोनों के बीच चीज़ें हैं जो सही नहीं है, यानी कि मे बी किसी पार्टी में कुछ हुआ था या फिर इनकी कुछ मैसेजेस आपने पढ़े, आपको लगा कि आपसे कुछ छुपा रहे हैं, तो दोनों के बीच दूरियाँ आ गई। तो ये दूरियाँ बदलने का जो समय है वो अभी आ गया है। ये पर्सन डायरेक्टली आपसे कम्युनिकेट कर सकता है एंड आपको बोल सकता है कि भाई मेरे ज़िंदगी में मुझे क्या चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं।